काफी सारे लोग मोटिवेटेड होकर भी काम नहीं कर पाते, वो कुछ करने बैठते तो हैं लेकिन थोड़ी ही देर में वो उससे ऊब जाते हैं, वो लंबे टाइम तक बुक्स नहीं पढ़ पाते, एक हफ्ते से ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और चाहे वो खुद से कितने भी प्रॉमिसेस क्यों ना कर लें, वो अपने नए रूटीन को कभी भी एक हफ्ते से ज्यादा फॉलो ही नहीं कर पाते। शायद कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर उनमें मोटिवेशन आ भी जाता है लेकिन वो मोटिवेशन 24 घंटे भी नहीं टिकता, इसके बाद वो फिर से अपने इसी अनमोटिवेटेड स्टेट में आ जाते हैं। अगर आप इन काफी सारे लोगों में आते हो तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। इस वीडियो में बताया गया प्रिंसिपल को फॉलो करने से आप ज्यादा मोटिवेटेड रह पाओगे और काम में भी आपका मन लगेगा। इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको कुछ कबूतरों के बारे में बताना होगा। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक कबूतर को एक पिंजरे में बंद किया जिनमें कबूतर के सामने एक बटन लगा था। जब कबूतर लेफ्ट बटन को दबाता तो पिंजरा लेफ्ट साइड से खुल जाता और वहां पर कबूतर को टेस्टी खाना खाने को मिलता। टाइम के साथ कबूतर समझ गया कि लेफ्ट बटन दबाने से उसे खाना आसानी से मिल सकता है। फिर साइकोलॉजिस्ट ने उस कबूतर के सामने दो बटन रख दिए। जब कबूतर लेफ्ट बटन दबाए तो उसे खाना मिले, लेकिन जब वो राइट बटन दबाता तो राइट साइड से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता और उसकी मुलाकात एक कबूतरी से होती। अब उस कबूतर के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो लेफ्ट बटन प्रेस करके खाना खा सकता था या फिर राइट बटन प्रेस करके अपने फीमेल पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप उस कबूतर की जगह होते तो आप भी जानते हो आप ज्यादातर कौन सा बटन दबाते। कबूतर ने भी वैसा ही किया। कबूतर लेफ्ट वाले बटन यानी खाना खाने वाले बटन को छोड़कर बार बार राइट बटन को दबाने लगा ताकि उसे एक फीमेल पार्टनर की इंटीमेसी मिल सके। फिर साइकोलॉजिस्ट ने कुछ और चेंजेस किए। उन्होंने कबूतर के सर में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जो सिग्नल मिलने पर उसके ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता था, यानी एक नशे वाली फीलिंग देता था उसे। इसके बाद उन्होंने कबूतर के सामने फिर से दो बटन रखे। जब कबूतर लेफ्ट बटन दबाए तो उसका पिंजरा खुल जाए और उसे कबूतरी मिले, लेकिन जब कबूतर राइट बटन दबाए तो उसके दिमाग में लगा इलेक्ट्रोड उसके प्लेजर सेंटर्स को स्टिमुलेट करने लगे। इजी वर्ड्स में, राइट बटन दबाने पर कबूतर को वही मजा मिल रहा था जो एक ड्रग एडिक्ट को कोकेन लेने से मिलता है। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि कबूतर अब बार बार किस बटन को दबा रहा था? वो कबूतर अब बार बार राइट बटन को दबा रहा था। उसे अब अपने फीमेल पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। एक पॉइंट के बाद तो साइकोलॉजिस्ट ने पिंजरा खोल दिया ताकि कबूतर उड़कर आजाद हो सके, लेकिन वो कबूतर अब भी उस राइट बटन को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। वो उस राइट बटन से एडिक्ट हो गया था और उस पर बार बार अपनी चोंच मारे जा रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ टाइम के बाद साइकोलॉजिस्ट ने कबूतर के दिमाग से इलेक्ट्रोड्स निकाल दिए, मतलब अब बटन दबाने से उस कबूतर को कोई मजा नहीं मिल रहा था, लेकिन वो कबूतर फिर भी पागलों की तरह उसी बटन को दबाता जा रहा था। इन अदर वर्ड्स, द कबूतर वॉज फक्ड। अब आप एक कबूतर से कई ज्यादा गुना स्मार्ट, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में आपका दिमाग भी कबूतर की तरह काम करता है। नेचुरली हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं जिसमें हमें डोपामीन मिले। डोपामीन को आप अपने दिमाग का प्लेजर केमिकल कह सकते हो। खुजली खुजाने से लेकर ड्रग्स लेने तक जिस भी काम से आपको प्लेजर मिलता है उसमें डोपामीन का हाथ होता है। हमें पढ़ने से ज्यादा डोपामीन मूवी देखने में मिलता है, इसलिए हम बुक्स कम पढ़कर मूवीज ज्यादा देखते। हमें मूवी से ज्यादा मजा पॉर्न में मिलता है, इसलिए पॉर्न देखने की तलब मूवी देखने से कहीं ज्यादा होती है। और ड्रग्स जैसे कोकेन, एमडीएमए और एलएसडी हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज करते हैं, इसलिए जिन्हें इनकी लत लग जाती है वो घर से पैसे चुराकर, गैंगस्टर से उधार लेकर, अपनी जान खतरे में डालकर भी इसे लेने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि इन चीजों की आपको लत लग जाती, प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें आपके डोपामिन का टॉलरेंस लेवल बढ़ा देती है। आसान शब्दों में कहूं तो इनसे एडिक्ट होने से पहले जिन छोटे कामों को करने में आपको मजा आया करता था, इनसे एडिक्ट होने के बाद उन छोटे कामों में आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक फीमेल कंपेनियन मिलने के बाद कबूतर ने खाने वाले बटन को दबाना काफी कम कर दिया था, और ड्रग्स जैसा मजा देने वाले बटन मिलने के बाद उसने फीमेल कंपेनियन वाले बटन को दबाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसे अब इन लो लेवल डोपामिन एक्टिविटीज में कोई मजा नहीं मिल रहा था। वो फीमेल कंपेनियन के साथ रहने पर खुश ही नहीं था, उसे अब सिर्फ ड्रग्स चाहिए थे। डोपामिन सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं है, मोटिवेशन केमिकल भी है। डिप्रेस्ड लोगों के दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं रिलीज हो रहे होते, इससे उनका ना ही कुछ काम करने का मन करता है और ना ही वो खुश रहते हैं। अगर आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा तो आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया, गेम्स, पॉर्न या सेक्स एडिक्ट होने के बाद आपको छोटी छोटी चीजों में मजा नहीं मिलता। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों से एडिक्ट होने के बाद प्रॉब्लम्स या पेन देने वाली एक्टिविटीज से आप बिल्कुल ही दूर भागने लगते हो। जैसे काम या एक्सरसाइज करने में यूजुअली लोगों को थोड़ा सा पेन होता है, जब आप लो प्लेजर वाली एक्टिविटीज से ऊब जा रहे हो
तो आप पेन गिविंग एक्टिविटीज से तो नफरत करने लगोगे। और जिन हैबिट्स और एक्टिविटीज से सक्सेस मिलती है या हेल्थ इंप्रूव होती है वो पेन गिविंग होती है, नो पेन नो गेन। यही रीजन है कि आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता। जैसे वो कबूतर अपने राइट बटन को छोड़कर उड़ना नहीं चाहता था, जब साइकोलॉजिस्ट उस कबूतर को उस बटन से दूर ले जाते तो वो पंख फड़फड़ाने लगता था, वैसे ही आप अपने स्मार्टफोन के बिना कहीं नहीं जाना चाहते और उसके ना मिलने पर छटपटाने लगते हो। इन अदर वर्ड्स यू आर फक्ड। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ कैन अ पर्सन अनफक हिमसेल्फ। इसके लिए आपको डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। डोपामिन डिटॉक्स एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप फिर से लो प्लेजर गिविंग एक्टिविटी से भी प्लेजर लेना सीख सकते हो। इसकी हेल्प से आप एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हो या एटलीस्ट उनसे होने वाले नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हो। डोपामिन डिटॉक्स काफी सिंपल आइडिया है। कुछ दिनों तक कोई भी ऐसा काम मत करो जिसमें आपको मजा आता हो। फोन मत यूज करो, बुक्स मत पढ़ो, दोस्तों से बात मत करो, खुद को एक जेल के कैदी की तरह ट्रीट करो जिसे दिन में सिर्फ खाने और पानी के अलावा ना ही किसी से मिलने दिया जाता है और ना ही कुछ करने के लिए दिया जाता है। कुछ दिनों में आप बिल्कुल बोर हो जाओगे, आप इतने ऊब जाओगे कि सिंपल से काम करने में भी आपको मजा आने लगेगा। आपका एक्सरसाइज करने का, बुक्स पढ़ने का और काम करने का भी मन करेगा क्योंकि अब आपका दिमाग कुछ हद तक अनफक हो चुका है। अब अगर आप फिर से अपनी नेगेटिव हरकतों को बढ़ावा ना दो तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अब आइए कुछ ऐसे मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं जिनकी हेल्प से आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। बिहेवियरल साइकोलॉजी में ऑपेरेंट कंडीशनिंग नाम का प्रिंसिपल आता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उन चीजों को बार बार करना चाहते हैं जिनसे हमें प्लेजर मिले या पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट मिले, और उन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं जिनसे हमें पेन मिले या पनिशमेंट या नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट मिले। सुनने में तो काफी सिंपल प्रिंसिपल है लेकिन इसके एप्लीकेशंस काफी इंटरेस्टिंग है। इंस्टाग्राम को ही ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर मीम्स देखने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होती, ज्यादा नहीं। आप एक बटन प्रेस करोगे तो आपका फोन अनलॉक होगा। इंस्टाग्राम का आइकन होम स्क्रीन पर ही खाट जमाए बैठा है, उस पर एक बार क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। बस फिर स्क्रॉल करते जाइए। ये डोपामिन तक पहुंचने का सबसे इजी मेथड है। उस कबूतर के दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड की तरह ही अब आपके दिमाग में भी हर टैप पर हर स्क्रॉल के साथ थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता रहेगा। 5 सेकंड्स और 3 क्लिक्स का एफर्ट, इतना सा काम करने के लिए आपको तुरंत रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं, यानी डोपामिन मिलने लगता है। दूसरी तरफ एक्सरसाइज से डोपामिन पाना एक काफी लंबा प्रोसेस है। आप आज एक्सरसाइज करोगे तो 1 साल के बाद कहीं जाकर आपके बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस आएंगे। 2-3 दिन तो आपके बॉडी में क्रैम्प्स रहेंगे और आपको पेन होगा। ये काम करने के लिए एक तरह से आपको एक छोटी सी पनिशमेंट मिल रही है। सेम चीज वर्क में भी अप्लाई होती है। आज काम करना स्टार्ट करोगे तो कुछ सालों के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, इसलिए इन चीजों को करने का मन नेचुरली नहीं करता। इसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना होता है। आपको नेगेटिव चीजों को करना हार्ड बनाना होगा और पॉजिटिव चीजों को ईजी बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टाग्राम से आपका बिजनेस नहीं चलता, उससे आपको कोई काम नहीं होता है, तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। हर वो ऐप अनइंस्टॉल कर दो जो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर कभी आपका उसे बहुत ज्यादा यूज करने का मन करे और आपके पास कोई काम ना हो तो आप उसे इंस्टॉल कर लो। लॉग इन कर आप उसे थोड़ी देर यूज कर लो और फिर तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दो। इस तरह से जहां पहले आप 5 सेकंड और 3 क्लिक्स में इंस्टाग्राम ओपन कर रहे थे, अब आपको कम से कम 5 मिनट तक वेट करना होगा। आप प्ले स्टोर खोलोगे, इंस्टाग्राम डाउनलोड करोगे, लॉग इन करोगे। ये काम जब थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली इसे कम करोगे। इसी सेम प्रिंसिपल का यूज आप अपने सारे एडिक्शंस को हार्ड बनाने के लिए भी कर सकते हो। अब आइए ये देखते हैं कि हम पॉजिटिव काम को इजी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम उन प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे जो सर्कस में शेरों को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को शेपिंग एंड चेनिंग कहा जाता है। आइए शेपिंग के बारे में जानते हैं। शेपिंग में आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हो और एक छोटे पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आप खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देते हो। शेर जब भी जलते हुए रिंग से कूदता है तो सर्कस मास्टर उसे एक छोटा सा मीट का टुकड़ा देता है। टाइम के साथ उसी रिवॉर्ड को पाने के लिए शेर बार बार उस रिंग में से कूदना सीख जाता है। चेनिंग में आप पूरे काम को कंप्लीट करने के बाद खुद को एक रिवॉर्ड देते हो। फॉर एग्जाम्पल, सर्कस में शेर को सबसे पहले कुर्सी पर बैठने के लिए मीट मिलता है, फिर उसे कुर्सी पर बैठकर रिंग में कूदने के लिए रिवॉर्ड मिलता है, उसके बाद रिंग से कूदकर एक जोकर के साथ डांस करने पर भी रिवॉर्ड मिलता है, और लास्ट में उसे एक बॉल पर बैलेंस बनाकर खड़े होने के लिए रिवॉर्ड मिलने लगा। यहाँ पर शेपिंग का यूज हो रहा है। इसके बाद सर्कस मास्टर रास्ते में सारे रिवॉर्ड्स को धीरे धीरे हटाकर शेर को तभी रिवॉर्ड देता है जब वो कूद कर कुर्सी पर बैठे, फिर रिंग में जंप करे, फिर जोकर के साथ डांस करे, फिर बॉल पर बैठ जाए। सारा काम कंप्लीट होने पर खुद को रिवॉर्ड देने के प्रिंसिपल को चेनिंग कहते हैं। आप भी शेपिंग स्टार्ट कीजिए। अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर छोटा पार्ट कंप्लीट होने के बाद खुद को एक रिवॉर्ड दो, फिर धीरे धीरे उन रिवॉर्ड्स को कम करते जाओ
और काम कंप्लीट होने पर खुद को एक बड़ा रिवॉर्ड दो। हम टाइम के साथ रिवॉर्ड कम करके शेपिंग से चेनिंग पर इसलिए आते हैं क्योंकि ऐसा ना करने पर आप बहुत जल्द ही रिवॉर्ड से ऊब जाओगे या फिर उसी रिवॉर्ड के लिए काम करने लगोगे। रिवॉर्ड को कम करने से आप टाइम के साथ बेटर परफॉर्म करने लगते हो। इसे आप एक गेम की तरह देख सकते हो, जहां लेवल 1 पर सिर्फ एक बुलेट मारने से ज़ॉम्बी मर जाता है, अब लेवल 20 पर वो 10 बुलेट मारने पर मरता है। सेम रिवॉर्ड के लिए अब आपको ज्यादा मेहनत करनी है। अगर लेवल 20 पर भी ज़ॉम्बी एक बुलेट से मर जाता तो आप उस गेम से बोर हो जाते। टाइम के साथ डिफिकल्टी बढ़ाना जरूरी है। साथ ही अगर आप अपने जरूरी कामों को करना आसान बना दोगे तो उन्हें करने में आपको आसानी होगी, जाहिर सी बात है। अगर आपको सुबह जिम जाना है तो अपने जिम के कपड़े पहन के सो जाइए, शूज साइड में रेडी रखिए ताकि सुबह उठकर आपको चीजें ढूंढना ना पड़े रेडी होने के लिए। अगर आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है तो बुक को हमेशा अपनी टेबल पर रखिए, अपने आंखों के सामने रखिए, ना कि अलमारी में बंद करके रखो। इन छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अपने एडिक्शंस को दूर कर सकते हो, कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हो और खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबे तो दबा देना। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।